भारतीय मूर्तिकला में मूर्तियों को कई विधियों से बालों को सवारते हुए दिखाया गया है, जिन विधियों में हम अधिकतर मुड़े हुए केश, सीधे केश, सामान्य चोटी वाली केश, हाथ में पकड़े हुए केश देख सकते हैं। जब हम किसी मूर्तिकला को देखते हैं, उसमें हमें कई सारे तत्व देखने को मिलता है। इसीलिए मूर्तिकला में देवी, देवताएं, अन्य मनुष्य, जीव जंतुओं की छवियों को दर्शाने के लिए विभिन्न शैली के तकनीकों को अपनाया जाता है, जैसे आभूषण कला, केश विन्यास कला और वस्त्रों की कला इत्यादि। इस बालों की शैली को केशबंधम शैली कहा जाता है। केशबंधम पारंपरिक रूप से देवियों की मूर्तियों में ही दर्शाया जाता है। केशबंधम की ऊंचाई आमतौर पर उस मूर्ति के चेहरे के माप से तय की जाती है। यह आमतौर पर एक, डेढ़ या दो चेहरों की ऊंचाई के समान होती है, जो मध्य भाग में फैलते हुए लंबवत ऊपर की सीध में शिखर बनाती है। यह केश कला जटा मुकुट और जटाबंधन केश कलाओं से अलग है। इस केश कला को बनाने का एक तरीका यह भी है कि आप अपने पूरे बालों को सिर के बीचों बीच ऊपर की ओर करके बांध लें, दो से तीन परते बनाएं ताकि यह ऊपर की ओर पतला दिखने लगे और मुकुट की तरह घुंघराले केश पंक्तियों से घिर जाए। अगर आप गौर से देखें तो आपको यह अवश्य दिखेगा कि इन पंक्तियों के नीचे मोतियों की तीन लड़ियां लगाई जाती है। इन मोतियों की माला को पूरिमम श्रृंगार के नाम से भी जाना जाता है, जिसे केशबंधम केश कला में चारों ओर लगाया जाता है। केशबंधम को कीमती पत्थरों, मोतियों, आभूषणों और फूलों से सजाया जाता है, जो सिर्फ केश की सुंदरता ही नहीं बल्कि उस मूर्तिकला की छवि में चार चांद लगाते हैं। देवी और देवताओं के मूर्तियों में भी हमें कई तरह के केश विन्यास या फिर बालों की शैली देखने को मिलती है, जैसे कि सर्पमौली, कुंटलम, सुंदर मुंडी, जटाबंधम, जटाभरम और केशबंधम इत्यादि। मूर्ति कला में केश विन्यासों को मोतियों, कीमती पत्थरों, फूलों से सुसज्जित गहनों से उपयुक्त रूप से सजाया जाता है। शायद इसीलिए मूर्ति कला में सुसज्जित केश उस मूर्ति में उकेरी गई छवि को सुंदरता से जोड़ता है। शिल्पकार मूर्तियों की छवियों को सुंदर केश, मुकुट और सिर के कपड़ों के साथ भी दर्शाते हैं और यही सजावट और शैली मूर्तियों को पहचानने में भी हमारी मदद करती है। यह केश शैली देवी सावित्री, देवी उमा, देवी कलेमंगल और अन्य देवियों की छवियों के साथ साथ बाल कृष्ण और मुरुगन की छवियों में भी दर्शाया जाता है।